दीदी इस बार क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में आ रहे हो? अमरवाड़ा विधानसभा पिछले दस साल से पिछड़ी विधानसभा और आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई, धर्म संस्कृति की लड़ाई जो विधानसभा तक पहुंचे। गोंडवाना आंदोलन की एक ही मांग थी, गोंडवाना आंदोलन का विषय ही यही था, जल जंगल जमीन की रक्षा, धर्म संस्कृति की रक्षा। जो आंदोलन था गोंडवाना आंदोलन, उसको वहां तक पहुंचाना मकसद विधानसभा तक। और अमरवाड़ा की जो दुर्दशा है पिछले 10 सालों से, तो किसी छुपी नहीं है वो, है ना। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हर्रिम में जो साप्ताहिक बाजार लगी, यहाँ पर जन आशीर्वाद लेने पहुंची मोनिका भट्टी जी। अभी जन आशीर्वाद ले रही है और यहाँ जनताओं से आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पर अपना प्रचार प्रसार कर रही है। तो मोनिका भट्टी जी यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रही है, देख सकते हो आप पूरा। आपको जनताओं से कैसा आशीर्वाद मिल रहा है? बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए सभी लोग साथ में गोंडवाना भाजपा मिलकर काम कर रही है, गोंडवाना भाजपा मिलकर काम कर रही है। बिल्कुल, जय सेवा जय श्री राम, दोनों मिलकर करो काम। इन्होंने एक स्लोगन दिया है, जय सेवा जय श्री राम, दोनों मिलकर करो काम। इस बार क्या आप इस बार जीतने की पूरी निश्चित 100% 100% गोंडवाना मिलाकर, भाजपा और गोंडवाना मिलाकर 100% जीत का भी दावा कर रहे हैं। और हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, जिन लोगों से आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं तो उन लोगों से भी कोशिश करेंगे और लोगों से बताने की कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे सैलाब चल रहा है मोनिका भट्टी जी के साथ, और हम और भी लोगों से पीछे से बिल्कुल। मैं तो पहले से हूँ, पहले से बीजेपी में हूँ मैं, और जिंदगी भर मर भी जाऊँ तो बीजेपी में हूँ। अरे इस बार मोनिका भट्टी जी बिल्कुल, मोनिका भट्टी टंके की चोट में आ रही है। तो देखिए जिस तरह से आशीर्वाद मिल रहे हैं, जिस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह का माहौल चल रहा है और मोनिका भट्टी जी का समर्थन मिल रहा है, तो आप और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे जो साप्ताहिक बाजार करने आए हैं। जय सेवा ये बोलो हम। इस बार कौन जीत रहा है सभी लोगों का? जैसे आशीर्वाद लेकर जा रही है हमारी दीदी, इनसे पूछते बाद में कि इस बार किसको वोट दोगे? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। इनको देंगे बिल्कुल, आधा घंटा खड़ा होता है। और हम यहाँ पर पूरी कवर कर रहे हैं और मोनिका भट्टी जी से पूछना पड़े। दीदी इस बार क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में आ रहे हो? अमरवाड़ा विधानसभा पिछले दस साल से पिछड़ी विधानसभा और आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई, धर्म संस्कृति की लड़ाई जो विधानसभा तक पहुंचे। गोंडवाना आंदोलन की एक ही मांग थी, गोंडवाना आंदोलन का विषय ही यही था, जल जंगल जमीन की रक्षा, धर्म संस्कृति की रक्षा। जो आंदोलन था गोंडवाना आंदोलन, उसको वहां तक पहुंचाना मकसद विधानसभा तक। और अमरवाड़ा की जो दुर्दशा है पिछले 10 सालों से, तो किसी छुपी नहीं है वो, है ना। मेन मुद्दा क्या है जनताओं का, इसके बारे में आपको कुछ? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पानी, बिजली, सड़क, यही सारा मेन मुद्दा है। किसानों का यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि पानी नहीं है इस विधानसभा क्षेत्र में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की है। तो हम यहाँ पर और भी लोग